दो हफ्तों से आप देख रहे हो मेरे किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा होगा तो वहाँ हमने मेंशन कर दिया था क्या रीज़न है। इन केस आपने ना पढ़ा हो और आप वरिड हो क्या हुआ हमारी लाइफ में, सो मैं थोड़ा सा लाइफ अपडेट आपको दे रही हूँ। प्रिंस की मॉम और मेरी मदर इन लॉ, शी इज़ नो मोर। 2 हफ्ते पहले ही हमें ये पता चला था, रात को घर से कॉल आया था और जब फ़ोन आया हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम सबको एक ना एक दिन जाना है, लेकिन एक उम्र के बाद कोई जाता है तो फिर भी समझ आता है। कोई बहुत टाइम से किसी बीमारी से परेशान हो तो फिर भी समझ आता है। पर उसी रात 11:30 बजे प्रिंस की बात हुई थी मॉम से, और उनकी बात मॉम से रोज़ होती थी, वो रोज़ फ़ोन करती थी, वो अच्छे से बात कर रहे थे। और अचानक ही कुछ घंटों बाद घर से फ़ोन आता है कि ये हो गया। हमारा विश्वास करना पॉसिबल था ही नहीं, हम बहुत बहुत शॉक्ड सदमे में थे। 2 हफ्ते हो गए इस बात को, लेकिन अभी भी हमें विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो गया है। आप लोगों को भी शॉक लगा होगा ये सुन करके। मम्मी जी के साथ हमने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे, आपने देखा होगा। कितनी हंसमुख, वो कितनी फिट, वो बहुत बहुत प्यारी है। अक्सर सास को देखते हैं तो लोग ये सोचते हैं सास खड़ूस होगी, सास बुरी होगी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना मैं आज कुछ नहीं होती। मैं जिस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ, जिस तरीके से बोल्डली बात कर पाती हूँ आप लोगों से, अगर मेरी सास कल को मेरे को ऑब्जेक्ट करती कि नहीं तुम्हें ऐसी वीडियोस नहीं बनानी, तुम्हें ये नहीं बोलना, रोक देती, मैं कभी नहीं कर पाती। आज अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा पाती, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं कर सकती अपने बिना सास के सपोर्ट के। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, वो हमें बहुत प्यार करती थी। वो आना भी चाह रही थी, लेकिन फिर कोरोना के बढ़ते केसेस को देख करके वो नहीं आ पाई। लास्ट टाइम भी जब व्लॉग में हमने दिखाया था आपको कि हम उनके साथ घर घर ढूंढ रहे थे, हमने सोचा कि कोई नहीं, फैमिली के साथ रहते हैं हम, दिल्ली में ही घर लेकर वहीं रहेंगे। वो गई थी हमारे साथ घर देखने के लिए, हमने बहुत सारे घर देखे, पूरा दिन हम लोग घर देखते रह गए, लेकिन बात नहीं बन पाई। कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थे, लोन लेने के बाद भी घर बहुत महंगे मिल रहे थे, और कहीं मिल भी रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा, खैर वो सब बातें मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। थे कुछ रीजंस, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, बट विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है। लेकिन वो दुनिया की बेस्ट बेस्ट सास थी। जब भी मैं अपनी लाइफ में कमज़ोर पड़ी हूँ, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत बहुत अच्छी थी। भगवान हमेशा अच्छे लोगों को के साथ ऐसा करता है, आई डोंट नो वाई। बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस्ड में रहे हैं, और इसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में भी बहुत बहुत उतार चढ़ाव हुए। एक बहुत, कैसे बताऊँ मैं, क्या बताऊँ, एक सैड न्यूज़ है प्रेगनेंसी के भी रिलेटेड। आई डोंट नो मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा तो आप लोग भी हर्ट होगे कहीं ना कहीं। हम आपको इन डिटेल बताएंगे कुछ दिनों में एक कि कैसे सब कुछ हुआ। हम इतने दिनों से एक्टिव नहीं हैं, हमें डेली मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं, तो दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप तक ये बात पहुँचे। हम ठीक हैं, इमोशनली बहुत हर्ट हैं और शॉक में हैं। बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मेरी मम्मी जी ने बहुत। जब उनकी शादी हुई थी, अपनी शादी के टाइम से वो हमें स्टोरीज बताती थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, वो कितना परेशान रहती थी, फिर कैसे उन्होंने, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी भी लाइफ में थी, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बट उन्होंने अपनी अपनी अपने बच्चों को वो सारे स्ट्रगल से गुजरना ना पड़े, इसलिए उन्होंने हमारी बहुत केयर की है।
मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बताऊं कितना बताऊं, बट उनसे बेस्ट कोई नहीं था। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी भी लाइफ में हैं, थे, रहेंगे। मम्मी थी तो प्रॉब्लम्स थोड़े कम प्रॉब्लमेटिक लगते थे, अभी वो नहीं है तो बहुत शॉक में है हम। मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या बोलूं, बट फिलहाल के लिए इतना ही बोलूंगी कि हम मम्मी को नहीं, उनकी यादों को नहीं भूलेंगे। वो अभी भी हमारे दिल में है, हम उनको हमेशा मिस करेंगे। वो हमारे साथ हैं, उनका एहसास है, उनकी उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी बातें हैं, उनका हंसता हुआ चेहरा है, वो सब है, हम नहीं भूलेंगे। और वो दुनिया की बेस्ट मॉम है, मेरी लाइफ में वो बेस्ट पर्सनालिटी है। आज तक मैं जितने लोगों से मिली थी, शी वॉज द बेस्ट। और बाकी फ्रेंड्स के साथ हम लोग बैठ करके उनके बारे में बात करेंगे कुछ दिनों में, हम एक्टिव आएंगे बाकी चैनल्स पे भी। जिंदगी रुकती नहीं है, हमारी जिंदगी कुछ टाइम के लिए रुकी, लेकिन अभी हम एक्टिव होंगे, अपना काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी वीडियोस एडवांस शूट करके रखा था हमने ऑलरेडी, जो अब तक मैं नहीं डाल रही थी, मैं वो डालना स्टार्ट कर दूंगी। एक्टिव हो जाएंगे हम बाकी चैनल्स पे भी। बहुत दिनों से रेखा वर्सेस फ्रेंड्स पे भी हमने कोई वीडियो डाली नहीं थी, डालना स्टार्ट किया, उसके बाद ये हादसा हो गया, उसके बाद हमने दोबारा से उसको बंद कर दिया। हम उस पर भी काम स्टार्ट करेंगे अपनी तरफ से, जितना हो सकता है हम अपना ध्यान पूरा काम में फोकस करेंगे, क्योंकि जब तक हम बस यही सोचते रहेंगे तो सैड फील करेंगे। और मुझे पता है हमारी मम्मी नहीं चाहती थी कि हम लोग सैड रहें। एडवांस वीडियोस जो थी वो जाएंगी, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अभी कैसे वीडियो डाल रहे हैं, पुरानी वीडियोस हैं। बाकी ब्लॉग चैनल पे फ्रेंड्स के साथ बहुत जल्दी बैठ करके मैं वीडियो बनाऊंगी, जहां हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ था उस टाइम। फिलहाल के लिए आप उनकी उनके लिए प्रे करना, अपनी ब्लेसिंग्स आप लोग भी देना। सिर्फ फिजिकली वो हमारे साथ नहीं है, इमोशनली और हमारी यादों में, हमारी मेमोरीज में वो हमेशा रहेंगी।